बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन, ज़बरदस्त की पूरी टीम की तरफ से, न्यू टेलीविज़न की तरफ से अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जनाब, आज दो बहुत ही नामवर सेलिब्रिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों का जो नाम है, दोनों की शख्सियत जो है, वो इस वक्त ड्रामों की मकबूलियत की और कामयाबी की ज़ामिन है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस, वन एंड ओनली नवाल सईद। वेलकम टू द शो नवाल। और जो दूसरी हमारे साथ शख्सियत हैं, वो इनकी बहुत गहरी दोस्त भी हैं और अगेन उनकी एक अपनी शख्सियत है, वो भी आजकल प्लेज में कामयाबी की जमानत समझी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोया नासिर। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। और आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है। है जी, बिल्कुल है, है। और मुझे लगता है कि हमने ड्रामा जो किया था उसमें वी वर नॉट गेटिंग अलोंग वेरी वेल, कैरेक्टर्स जो थे। अच्छा, तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि दोस्ती हो जाएगी। शाह जी, दो ही दोस्तियां मशहूर हुई हैं दुनिया में, शोले में जय वीरू की और पाकिस्तान में ज़ोया नवाल की। पंजाबी समझ में आती है आपको? थोड़ी बहुत, मतलब अगर आप अपनी कोई सीक्रेट बात करें तो मुझे लगता है आधी मुझे समझ आ जाए, आधी समझ आ जाती है ये। लेकिन मेरे ख्याल से ज़ोया आपको पंजाबी समझ आती होगी। आपके तो वाले बोलने भी आती है जाहिर। एंड आई रिमेम्बर जब मौला जट आई थी तो इसके ना जबान पे बस चढ़ गया था। व्हेनेवर आई वुड विजिट हर या इसके पास जाती थी तो ये कहती थी नवाल आया सोने। आपने मौला जट देखी पुरानी वाली? पुरानी वाली मेरे पैदानों से पहले रिलीज हुई। तो बहुत बुरी बात है ज़ोया, आपने नहीं देखी मौला जट। वाले साहब का इतना गैर मामूली काम। अब ये जो मौला जट थी, आप इसको जितना भी क्रेडिट देना चाहें वो देना चाहिए, मगर उस मौला जट के शेडो के अंडर ही, जिसे आप कहेंगे ना, और उस ब्रांड के बगैर तो। लेकिन देखिए उसमें आप मेरी गलती इसलिए भी नहीं। मैं आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने अपने बच्चों को बिठा के अपने साथ कम से कम दो या तीन मर्तबा मौला जट देखा। अब वो बस फिर आप अपने साथ बिठा के दिखाए ना। हाँ, सही कह रही हैं। अब वो नहीं दिखाते। और मैंने उनसे कहा कि इसके डायलॉग जो है मुझे कुछ याद करके सुनाओ। चाची, उसकी वॉइस क्वालिटी ऐसी है, छह बार भी देखने में समझ नहीं आया। हाँ, ये एक इशू जरूर उस पे रहा। ये मुझे तकलीफ भी हुई बल्कि बैठे होंगे ना। हाँ, मुझे अफसोस ये हुआ कि हमारा जितना बड़ा काम है ना इस दौर का, उसकी वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इतनी खराब है कि आप उसका वो लुत्फ ही नहीं ले पाते। पर मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी जो रही है ना पहले, बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो म्यूजिशियन, सो ही सईद अहमद। अच्छा, ही इज फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम नापा इन म्यूजिक, तो वो इसलिए भी मुझे लगता है कि मुझे बड़ी सपोर्ट मिली टू बिकम एन एक्टर। और सिर्फ म्यूजिशियन थे या कंपोजर भी थे? नहीं, म्यूजिशियन ही थे। क्या बजाते थे, क्या प्ले करते थे? पियानो बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गाना गाते हैं। वेरी गुड, और काफी करेले गोश्त खाते हैं। और इनका हिडन टैलेंट ये है कि गाना बहुत अच्छा गाता है। नवाल? नहीं, कैसे मुमकिन है कि हां म्यूजिशियन की बेटी हूं और गाना ना गाती? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती और मैंने सीखने की कोशिश की है, लेकिन मैं वो तो फिर तय होगा ना। तो आपके ख्याल है कि ज़ोया गलत बयानी से काम ले रही है? नहीं, मैं अपने दोस्तों के सामने कभी बैठ के ऐसे गा लेती हूँ, लेकिन मेरे फादर कहते हैं इस काम की इज्जत करो, सीखो नहीं तो नहीं। कोई नहीं बैठा, बस ज़ोया बैठी है, हमें अपना दोस्त ही समझे। आप लोग दोस्ती तोड़वा के जाएंगे जो आपका दिल चाहे। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आगे पता नहीं। आए नजर चेहरे हजार। कितना अच्छा हो गया आप दोनों की दोस्ती को। हमें ज्यादा टाइम नहीं, तीन साल हो गए हैं। प्यार होते वहीं पे लड़ाई होती है। अब मैं मोहल्ले वालों का जाके दरवाजा खटखटा के उनसे लड़ाई करूंगी। तो नवाल और ज़ोया, किस को स्टार के साथ ज्यादा लुत्फ आता है आपको काम करने में?
हम दोनों को आई थिंक नूर हसन के साथ ज्यादा काम, दोनों को बड़े वक्त नूर हसन के साथ ज्यादा काम। नूर हसन और हमारा दोस्ती है जी। और किसके साथ जरा मुश्किल होती है? अगर मुझे लगता है मोस्टली लोगों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जैसे आपका फर्ज या आप कमरे के अंदर जाए ना, आपको एनर्जी से फील हो जाता है कि कैसा रहने वाला है आगे का। या तो कभी आपको बिगिनिंग में लगता है कि मुश्किल होगा, फिर अच्छा हो जाए। कि मैंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स देखे जिनका टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, एक्टर्स की आपस में लड़ाई हो रही वो नजर आता है, मुश्किल होता है, केमिस्ट्री नहीं बन पाती। कितने आपने अब तक सीरियल्स किए हैं, आपने और आपने? 15-18 ड्रामास, 15-18, व्हिच इज लाइक 5 मंथ्स वन ड्रामा। हां तो काफी कर लिया, मगर अलग-अलग चल रहा होता है बेसिकली, तो वही 30-40-50 दिन की शूट होती है ना जी। अलग अलग तो चल रहा था, लेकिन मुझसे ना, मेरे लिए मल्टीटास्किंग थोड़ा सा अच्छा, मुश्किल है। तो मैं एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करती हूँ, लेकिन पिछले साल मेरे ऊपर 3 ड्रामे एक साथ, तो मुझे बड़ा शफल करना पड़ा, जो मेरे लिए अभी मुश्किल होता है। हाँ। अच्छा, वैसे भी आप दोनों जैसा आर्टिस्ट जो है, जो पढ़ा लिखा है और ये कोशिश करता होगा यकीनन कि भी उस कैरेक्टर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए, उसकी साइकी, फिलोसफी, उसकी उसकी पेंस, उसकी खुशियाँ, उसको पूरे को अपने अंदर समो के उसको सही तरह से कंसीव करके चले ना, तो मुश्किल होता है कि एकदम से आपने उसको छोड़ दिया और अब आप नए रोल में चले गए ना, ये मुश्किल भी होता है। ऑफकोर्स आपका आप ये काम कर रहे हैं 12 घंटे दिन के और 30, थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा जी, ईद दिन को उन्होंने को सेमियां भी पकवा लो ना, बोलो को पूछो के दूंगा जो मुंह मीठा किने करवाया है। मीठी 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 बातें करते मीठी मीठी बातें बेहतर है, हाँ? वो तो खा लेंगे हम। मैं नहीं पका रही कुछ। घर में आपको बनाना पड़ता है सबसे ज्यादा, फिर ऐसे पका के लाए उन्हें ना। मेरी बात सुने, अम्मी और मैं एक टाइम पे किचन में अलाउड नहीं है वो। हाँ। जब मैं तो चलने अब कराची शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन हाँ। जब मैं घर में होती थी, हम दोनों को कुकिंग का बेकिंग का बहुत शौक हाँ। है, तो एक टाइम पे हम दोनों किचन में नहीं रह सकते, बिकॉज एक जंग छिड़ जाती है। यस। और मैंने और फिर अब्बू को गंडासा लेके आना पड़ जाता होगा। बेचारे अब जितनी वायरल मूवीज लिखते हैं ना, उतने वो वैसे आपको आप तो मिले, आप कितने वो सॉफ्ट है, इन्हें लड़ाई च भुखे रह जाते। कितने रोमांटिक कैरेक्टर्स किए हैं आपने? काफी, मोस्टली काफी किए हैं मोस्टली। तो जिन जिनके साथ आपने किया, कभी ऐसा हुआ कि वो उस कैरेक्टर में रह गए और फिर निकल ना पा रहे हैं? हो जाता है, ऑफ कोर्स एफिलिएशन हो जाती है। अच्छा। लेकिन किसी ऐसे आपके कोलीग को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई हो, इतनी मुश्किल हुई हो कि आपको उसे उस मुश्किल से निकालना पड़ा हो कि नहीं भाई एक ये सिर्फ कैरेक्टर्स थे? मैं ये बिल्कुल भी कूल साउंड नहीं करूंगी कह के कि उनको, या मुझे भी हो गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स यू वर्क विद ईच अदर 12 घंटे आप दिन में अपने फैमिली से ज्यादा, मुझे लगता है आप उनके साथ वक्त गुजारें तो हो ही जाती है। प्लस एक कैरेक्टर का जिसमें आपके डायलॉग्स भी ऐसे हैं और बहुत ही सब कुछ चीज़ी चल रहा है तो हो जाता है, लेकिन नॉट एनी मोर। तजुर्बा अच्छा नहीं रहा या आपको लगा कि नहीं भाई ये आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज वेरी नॉर्मल, बट इवेंचुअली आपको जब पता लग जाए कि दो लोग अलग हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस अलग है और मतलब अलग सोच है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट पर्सन वाज रॉन्ग, जी जी इट वाज जस्ट डिफरेंट, दो अच्छे लोग भी इकट्ठे नहीं रह सकते, वाज जस्ट डिफरेंट देन आई वाज, सो यस वो एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। वैसे आप जिंदगी में एक मोहब्बत के कायल हैं या आप समझती हैं कि अगर एक मोहब्बत किसी वजह से नहीं चल सकी या नहीं परवान चढ़ सकी तो दोबारा उसी शिद्दत की मोहब्बत हो सकती है? पहले दफा के बाद थोड़ा सीख लें कि क्या यू माइट बी एट फॉल्ट और जो चीजें आपने, तो आप समझती हैं कि पहली मोहब्बत जो है वो रिहर्सल होती है? रिहर्सल तो खैर नहीं होती, लेकिन इट इज ऑफ कोर्स ऑलवेज अ लर्निंग, जैसे हर एक्सपीरियंस है। ओके, तो दोबारा जो मोहब्बत हो वो पहली मोहब्बत की तरह शदीद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूं, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। सवाल शाह जी, मैं भी अपनी बेगम नु पूछ बैठा कि बेगम तुम्हें दूसरी मोहब्बत भी शिद्दत से हो सकती है? और यही सवाल था, सारी गल बना के ते पंच अपना ला लिया। इसे ब्रॉड माइंडेड होना कहते हैं इन्नू कहंदे। अच्छा बेगम पूछे तो बुरा क्यों? हाँ, पूछ मर्द पूछे तो ठीक है, ये भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे सवाल पूछा, हो सकती है उनको। नहीं, ये वैसे बात बताया ना कि अगर मर्द को दो बार हो सकती है हाँ। जी जी, तो औरत को दो बार क्यों नहीं? तुसी हुण करानी है मेरे क्यों हो जा रहे, मेरा काम बर्बाद कर रहे।
नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दो वक्त एक बात वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोया नासिर, हमारे साथ मौजूद हैं नवाल सईद, और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोया नासिर, हमारे साथ मौजूद हैं नवाल सईद, और भाई हमारा सेगमेंट है, इसका नाम हमने रखा है ब्रेथलेस 2020। ठीक है ना, सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट विद ज़ोया। ठीक है ना, शेर सुनाना है? नहीं नहीं शेर आपके लिए यस है या नो? लाइन पसंद है नहीं पसंद है? अच्छा, यस और नो। मुझे भी लगा अभी सुना है कि मुझे नहीं, पसंद नहीं, होगा, मुझे खा जाएगा। हाँ, वो आपने कहा शायर की वजह से कह रही होगी, मैंने वो शेर नहीं पूछा। हाँ जी, तो शेर आपके लिए नो। शेर नो। ओके, बिल्ली यस, चूहिया बाबर आजम, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक ऐसी खातून हैं जो सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त ये कह रही हैं कि आप अनंत अंबानी को नहीं जानती। मुझे बहुत अच्छी लगी बात, अगर आप वाकई नहीं जानती। नहीं, वो जानती है, जिनकी बहुत बड़ी शादी हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। प्री वेडिंग थी वो। जी, प्री वेडिंग थी। वो वेडिंग नहीं थी। वेडिंग तो जुलाई में है। अरे पगली, एक्स्ट्रा ये दो है मुझे चाहिए, अपना भी दे दो। अच्छा, यस नहीं है? नहीं नहीं, इट शुड, आई थिंक इट शुडंट बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। ठीक है, ओके। टॉम एंड जेरी। जेरी टॉम बहुत तंग करता था। एंड पपाया द सेलर। यस, मेरे बचपन के कार्टून से सारे यस निकलेंगे। हुमायूं गुज्जर मैंने देखी नहीं है। नहीं पता, ओके। चूड़ियां बहुत अच्छी मूवी। ऐनक, सिंपल ऐनक मैं लगाती हूँ। कॉन्टेक्ट लेंस नहीं, मैं मेरे सर में दर्द हो जाता है। बार्सिलोना बीच मैं कभी गई नहीं हूँ, पर जाना है मैंने। छप्पड़ ते समझदे होने तुसी? आहो, ओदे बारे की राय तोड़ी? छप्पड़ में क्यों जावा? कैंपस की नहर, लाहौर वाली। हाँ नहीं, वो जब उस पे वो हम छोटे होते थे, लाइटें देखने जाते थे, हम लाइटें देखने आए। लाहौर की गर्मी? लाहौर अच्छा, गर्मी भी अच्छी लगती है। वाह, कराची की शाम? शाम के पहर से में थोड़े प्रेशर हो जाता है। कैक्टस मेरे पास, मैंने वो एक रखा था अपने घर में, मैंने उसको ये मार दिया। वो रेगिस्तान में नहीं मरता, मेरे घर में मर गया, सोचे। अरे क्यों? पता नहीं, या तो मैंने उसको बहुत ज्यादा पानी दे दिया, बहुत कम पानी दे दिया, आई डोंट नो। रात की रानी? रात की रानी यस। साइकिल? साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। नहीं, सवारी के तौर पर नहीं, साइकिल नहीं, डर लगता है। ठीक है ना, सुजुकी खैबर पसंद है? हाँ, मेरी उससे पुरानी यादें, शुरू मेरी खाला के पास होती थी जब मैं बहुत छोटी थी, वो हम सबको पिक करती थी स्कूल से। और फॉर्च्यूनर नहीं पसंद है नासिर को, वजह इसकी? महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं ना। उससे अच्छा आप वो प्राडो या लैंड क्रूजर पे ले लें, या फिर आप उससे छोटे सिविक वगैरह पे आ जाएं। क्या आपने बीच की? वाह भाई वाह, वेल प्लेड भाई वाह। अच्छा जी, अब एक काम, एक नाजिर की हैसियत से लोग भी देख रहे होंगे, क्या शख्सियत बनी आपके ज़हन में ज़ोया नासिर की? मुझे ऐसा लगता है इनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, और हर चीज़ को कीनली ऑब्जर्व करती हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको इस पर सोचने की ज़रूरत भी है, या इसको किसी तरह से प्रसीव करने की ज़रूरत भी है, या नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है, शेर नहीं, चूहिया भी नहीं, बिल्ली, बाबर आजम, टॉम एंड जेरी, मायों गुजर था उन्होंने पता ही नहीं, चूड़ियां इनको पसंद है, ऐनक ये लगाती है, ऐसा ही है। हाँ जी, लेंस जो है उससे सर में दर्द होता। बार्सिलोना आपने भी जाना है? जाना है, मैनू भी ले जाना। जी नवाल गिटर जी, सो रेडी? रेडी। हाथी? हाथी। चीता? चीता भी। हाँ, या आई लाइक एनिमल्स। बनमानुस? शॉप इतना तो क्यूट होता है। आई नो,
मुझे वो ऐसा नहीं है कि किंग कॉन्ग नहीं देखी आपने, यूं हाथ में खिला रहा होता है। देखा पूरी किंग कॉन्ग याद हाथ में खिला रहा था। नहीं मुझे उस टाइम ऐसा नहीं है कि मैं कभी खड़ी होकर देखना चाहूंगी। अब मैं चीता को शायद देखूं या चीता नहीं देखेगा वो खा जाएगा, एलिफेंट को देखूं, लेकिन आई डोंट थिंक। शिकरा, शिकरा, शिकार, परिंदा होता है शिकरा। परिंदा तो ऑफ कोर्स, बगैर बगैर ये जाने कि शिकरा क्या है। आई लाइक बर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू टच बर्ड्स बट आई लाइक टू सी बर्ड्स फ्लाई। मुझे केज बर्ड्स नहीं पसंद, बट ऑफ कोर्स आपने बर्ड का कहा तो बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। टाइटैनिक, टाइटैनिक डूब गई थी, डूब गई थी। हाँ। डूबने से पहले, डूबने से पहले तो वैसे सब भी अच्छा है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, आई लाइक सुपरमैन। ओह आई लाइक, नो या आई लाइक सुपरमैन। जीरा ब्लेड, जीरा ब्लेड, ये बताएंगे आपको। डोंट टेल मी कि आपने जीरा ब्लेड नहीं देखी। उन्होंने मौला जट नहीं देखी, उन्होंने जीरा ब्लेड मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का नाम आपने सुना, इन्होंने तो 100% सुना होगा, अपने वालिद से भी फैमिली। उनकी जो बहुत बड़ी फिल्में हैं उनमें से एक जीरा ब्लेड। अच्छा, फिर भी अब ये सुनने के बाद आपकी क्या है, ये सुन लो। हाँ, बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी। चुकंदर, चुकंदर लाल। आलू मेथी, आलू मेथी आई लाइक। भैंस का दूध, भैंस का दूध को चलेगा। सहरा, सहरा नहीं चलेगा। अच्छा, जंगल, जंगल चलेगा, जंगल चलेगा। कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी नहीं मुसाफिर। औरंगी टाउन, औरंगी टाउन से एज सच वो है नहीं, आना जाना इतना ज्यादा नहीं, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ यस और नो है। यस, यस, ओके। सोहराब गोट, सोहराब गोट मुझे आती है वो लासिफ पे जो बोटियां नहीं मिलती वो याद आता है तो गुड। जमजमा, ट्रांसपोर्ट जो किसी की जिंदगी आसान करने के लिए बनाई गई है, आई वुड नॉट माइंड दैट। ठीक है, वो मगर इन तीनों में से कौन सी गाड़ी आप लेंगी? आई थिंक V8। ये लेगे से ड्राइविंग आती है नहीं, इसकी कार मैं चला रही होती हूँ। आती नहीं है मुझे, अभी नहीं सीखी आपने। कार ले लिए चलाती मैं। एक दफा गाड़ी लग गई थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ। लेकिन हमारी गाड़ी को ही नुकसान पहुंचा, उसके बाद से मेरे दिमाग में डर बैठ गया। हाँ। तो अभी मैं वो निकाल रही हूँ ऐसे। वो तो लाइफ है, देखिए अगर आपको कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप चलना तो नहीं छोड़ देते। जी बिल्कुल, दोबारा उठते हैं, दोबारा चलते हैं, जैसे दोबारा गाड़ी ठोकते हैं कहीं। और इसको जल्द ही फिर को निकाल लो, क्योंकि कभी कभी ना आप ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। देखिए ना, जब 40 की उम्र आ रही है अभी तक गाड़ी नहीं चला पाती। अरे नहीं, मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ आपको पता है। चलिए, आप 40 तक का मान गई हैं, बड़ी मेहरबानी, इसका बहुत शुक्रिया। जब ने सुना नहीं मेरा जुमला, मेरे ख्याल में आधा सुना। मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ, ये जी कहती कल मैंने 4 गाड़ियां उड़ाई हैं। तो हम वापस आके जानने की कोशिश करते हैं कि भाई नजफ की और चांद की, नवाल के बारे में। इसकी तो मेहनतें ही होनी है बस, है, मुझे इधर ले जाओ, मुझे उधर ले जाओ। वो तो अब जा रही थी बात सुनना, तो मैंने कहा चले चलते हैं। क्या राय है और क्या एनालिसिस है, कहीं नहीं जाएगा नाजीर, स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन ओनली नवाल सईद, हमारे साथ मौजूद है ज़ोया नासिर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। आपके वालिद के जमाने की कोई कॉम्पोजिशन जो आपने अपने अब्बू को सुनते हुए सुना हो, वो याद है आपको? जी, पापा मोहम्मद रफी को बहुत सुनते हैं, किशोर साहब को बहुत सुनते हैं, तो ये गाने पुराने तो याद है। कोई पुराना गाना रफी साहब का, किशोर साहब का कभी गुनगुनाया आप? जी गुनगुनाया। कोई अगर याद आता हो? मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अच्छा जी, एनालिसिस। अच्छा, नवाल के पर्सनालिटी के हवाले से ऐसा लगता है कि बहुत इजी गोइंग हैं, हर चीज़ को लेके लेट गो कर देती हैं, और कोई चीज़ों को लेके स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा है? हाँ, आई एम नॉट वेरी एनालिसिस अच्छे कर दी, पराठे डिंगे पर खा।
let go in the sense I will forgive you. Okay. But I will not forget what you have done. So I will not trust you again. मुझे लगता है कि मेरे दिमाग से मेरे recently मुझे मेरा दोस्त भी कह रहा था कि नवाल you don't forget. कहा मुझे नहीं. If you can do it once to me, you can do it twice. क्या ज़्यादा painful होता है आपको लगता है? Forget कर देना, forgive कर देना. यानी कि दोनों में से क्या ज़्यादा painful है? किसको ज़्यादा carry करना? मुझे लगता है दोनों. 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 और क्या ज़्यादा मुश्किल होता है? Forgive करना या forget करना? लगता है it's the most difficult thing and it's the most important thing. भूल देना और माफ करना. हाँ, माफ. भूल जाना और माफ कर देना. There's this quote जो मेरे कमरे में भी मैंने बहुत बड़ा करके लगाया हुआ है फ्रेम. और वो कोट है, फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस द ट्यूलिप शेड्स टू द हील दैट क्रशेस इट. यस, ऐसे ही. हां भाई, आपकी क्या? हाथी इनको पसंद है, बड़ा सोचती हैं. अच्छा, चीता इनको पसंद है, स्पीड मारना चाहती हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताएं. जी जी. ये हाथी किसी शख्स को अगर पसंद है तो सोचने से क्या पता? मेरा भी यही सवाल था कि वो बड़ा नजर आता ना. मैं एलिफेंट की मेमोरी भी होती है बहुत. ये, हाँ, ये और वही वाली मेमोरी होती है तो वो याद भूलता नहीं है. वो फॉरगिव नहीं करता है, पता आपको? अच्छा. हाँ, नो नो नो, यही तो कमाल है. शाजी, इसके बाद में कोई स्टोरी भी है ना, जो हाथी का बच्चा कोई खा जाते हैं तीन लोग और फिर वो भूलती नहीं है माँ और वो फिर ढूंढ के उनसे बदला लेती है जंगल में. वाह वाह. तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना गाती भी है वो. सांप की रूह आ जाती है उसके अंदर. अच्छा, मुझे लगता है नजफ ने ना वो सारी फिल्में देखी होंगी. हाथी इन सिंगापुर, हाथी मेरे साथ, हाथी मेरे साथ थी, हाथी कोलंबो. मैं अपनी दादी मां को पूछूंगा नजफ थोड़ी सहेली सी. नहीं, वैसे आपको इस तरह की फिल्में पसंद थी, मिस कोलंबो और हाथी मेरे साथ? मुझे ऐसी फिल्में पसंद है जो कि थोड़ा सा डीप हो. जिस तेरी मेहरबानी है ना, कितनी बारी देखी है. बहुत डीप है. अच्छा जी, तो हाथी अगर किसी शख्स को पसंद है तो बड़ा सोचता है, गौर करने वाला, बड़ा सोचने वाला. चीता इनको पसंद बड़ा होता है, दिमाग. जी, क्या कह रही हैं आप? उसका ओके, उसका दिमाग, उसका दिमाग भी बड़ा होता है. दिमाग भी, दिमाग. अच्छा, पता है आपको क्यों कह रही है? जी, ज्यादा खाया जा सकता है. पर एक सवाल है कि बदमानस खूबसूरत है ना, पर क्यूट कैसे है? आपने सवाल किया, वो बहुत क्यूट है, क्यूट लगता है. क्यूट कैसे है वो? वो जब वो खिलाता था उसको तो क्यूट लगता था. He sees the good in things. अच्छी बात है. और भी बहुत कुछ कर सकता था इनका. अच्छा, सब कुछ याद. ये नवाल शायर लोग हैं. ये जो सलंसर में से धुआं निकलता था उसमें भी खूबसूरती तलाश कर लेते. बहुत ही प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है. दो नए शादीशुदा जोड़े जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं है मगर मोहब्बत है, एक बाइक पे अगर जा रहे हैं और उसमें से धुआं निकल रहा है तो आपको हंसी लगे? भाई खुदा का वास्ता, खुदा की कसम, मैं हैरान हूं भाई. अगर बाइक पंक्चर हो गई, अगर वो नई नवेली दुल्हन से कहे कि धक्का लगाओ और ज्यादा खूबसूरत लगेगा. लगेगा, वो एफर्ट कर रही है अपने पार्टनर के लिए, एफर्ट कर रही है, वो भी हंसी. ये बात है. फिर वो 5 साल के बाद 5 बच्चे उसी मोटरसाइकिल पे, फिर 5 मिलके एफर्ट कर रहे हैं, ये भी हंसी. मोटरसाइकिल नहर च डिगी है. बुलबुल यानी साफ सुथरा खाती हैं, सफाई पसंद है. कितों लिखे है बुलबुल साफ सुथरा खाती हैं, किस किस्म का एनालिसिस है? बुलबुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं, मुझे लगता है, एंड आई होप सो. ओए मेरे तो तत्ती जा रोड़ो. अच्छा जी, गरम चाय मेरे पे फेंको बेटा. तो टाइटैनिक इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं इन्होंने कहा जो डूबने से पहले अच्छी थी, है ना? डूबने से पहले तो मतलब रोमांस पसंद है इनको, लेकिन नाकामी पसंद नहीं है. बिल्कुल नहीं. तो स्पाइडरमैन इनको नहीं पसंद. यू लाइक सुपरमैन? यस. लाइक मी? नो, लाइक सुपरमैन. सहरा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं? बट आई लाइक बीचेस मोर. अच्छा, मुझे समंदर पसंद है तो इसलिए शायद मैंने कहा कि सहरा. बीचेस तो आई लाइक बीचेस, ऑस्ट्रेलियन बीचेस. मैं एक दफा बार्सिलोना के बीच पे गया, उस दिन बंद था, कोई आए नहीं, मैं कल ही करूँगा. अच्छा, मेरे जहन से एक सवाल आया है, आईना देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, खुद को देख के? अभी कोई ऐसी थॉट तो नहीं आती, अब तो हम काम के वक्त बस सब फिक्स करने के लिए, सब ठीक है ये करने के लिए देखते हैं. आपके जहन में ख्याल कहाँ से आया? मैं कि शायद खूबसूरत लोग आईना देख देने ज़्यादा देख देने ना. अच्छा, आप मेरा छोड़ें, आप मुझे बताएं कि आप जब आईना देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मैं सोचता हूँ कि शायद काश इसका दिल चाहता है मैं तोड़ दूँ.
नहीं, तुम सोचते हो कि मुझे आईना देखने की जरूरत ही नहीं, मैं माशाल्लाह चांद हूँ। हाँ मैं पहले चांद हूँ, थैंक यू, मुझे कॉन्फिडेंस दिया आपने, थैंक यू सो मच। जिसमें बहुत सारे दाग हैं। जो सूट मांग के पा के आती हो तो ज्यादा गल्ला कर। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोया नासिर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं नवाल सईद साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त ईद स्पेशल। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एक्ट्रेस नवाल सईद, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एक्ट्रेस ज़ोया नासिर साहिबा। आपने तकरीबन 20 के करीब आपने कहा सीरियल्स की, आई थिंक तो रिग्रेट होता हो कि ये क्या ये टी नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। नहीं, एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस तो है, मगर ये तो हुआ ना कि बुरा एक्सपीरियंस। नोबडी इज फोर्सिंग मी टू डू एनीथिंग। अगर अपने चॉइस से मैं कुछ कर रही हूं, हां, एंड आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो फिर मैं क्यों रिग्रेट करूं? नहीं, मगर होता ना कि पैसे भी मिल गए, सब कुछ हो गया, मगर अच्छा नहीं शूट हुआ, अच्छा निकला नहीं। दैट तो इज कंप्लीटली लक। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ गुड फिल्म्स दैट पीपल डिडंट रिकॉग्नाइज। ठीक है, पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपके नजदीक जब आप ड्रामे का इंतखाब करते हैं? बहुत ज्यादा। तो ना दे पता लग जाएगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि आप यानी कि बता सकें 1, 2, 3, तो स्क्रिप्ट, कास्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन टीम या जो भी है, प्रोडक्शन हाउस कह लें, और पैसा, कैसे इसको आप वो करते हैं? अच्छा, मुझे अब मेरे लिए होता है कि वो व्हाट इज द स्टोरी लाइक, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, डायरेक्टर कौन से हैं। तो फर्स्ट चॉइस इज नॉट मनी, समटाइम्स इट आल्सो इज मनी, बिकॉज़ आई हैव डन फ्यू प्रोजेक्ट्स फॉर मनी बिकॉज़ दे वर ऑफरिंग मी अ वेरी गुड अमाउंट, आई विल बी ऑनेस्ट। नाउ आई थिंक के जैसे स्टोरी है, प्रोडक्शन हाउस है, डायरेक्टर, पैसा बहुत कमा लिया है। हां, पैसा बहुत बहुत तो कुछ नहीं होता अब के जमाने में। तो कितना पैसा बहुत होता है नवाल के लिए, कितना पैसा बहुत है? I don't think a human being is ever satisfied. जितना आता रहे तो उसके लिए जैसे हर गाड़ी का एक नया मॉडल होता है, तो you want to go for that. तो I think खासे खासे जी उन्होंने दसे कि मैंने बहुत चाहिए। ज़ोया क्या क्या देखती हैं इस प्रोजेक्ट में? To be honest, जो एक्टिंग है वो मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा, ब्रेड एंड बटर नहीं है? तो मेरी ब्रेड एंड बटर मेरी एक्टिंग नहीं है, सो आई हैव दिस ब्लेसिंग कि मैं अगर कोई मुझे स्क्रिप्ट या रोल अच्छा ना लगे, आई कैन, और कुछ चॉइस भी है? हाँ, मेरे पास नो कहने की चॉइस है। तो वैसे जिंदगी गुजारने के लिए कितना पैसा बहुत होता है आप सोचते? देखिए, सर पे छत हो चलाने के लिए बस एक सही सी गाड़ी हो, और तीन वक्त की रोटी हो, उतना ही काफी होता है। तीन वक्त की रोटी हो और तो 70s आला तरीन बैंक बैलेंस हो। 70s की फिल्मों की हीरोइन बन गई आप। But that's a very humble offer. मैं तो तो कहती हूँ आई वॉन्ट टू अर्न मेक मनी, ऑफ कोर्स आप, और मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, तो वहाँ भी मैं बहुत सारे पैसे। ये तो $1 billion वाली खातून है। नहीं नहीं, तो आपको कौन कौन सा मुल्क पसंद है, कौन कौन से रीजन पसंद है? मुझे आजकल तो मुझे शौक है कि मैं रोम जाऊं, लेकिन लेकिन मैं टर्की बहुत ज्यादा जाती हूं, हर साल मैं टर्की जाती हूं, आई थिंक ऑलमोस्ट। उसकी खास हर साल जाने की वजह? मुझे पसंद बहुत है। कोनिया गई आप? कोनिया नहीं गई। कोनिया नहीं गई? नहीं, मौलाना रूम जी वहां जाना था, मैं जा नहीं सकी। कोनिया आई रियली लाइक दैट प्लेस, आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ ब्यूटी, और मौसम मुझे वहां का पसंद है। रोम जाने की खास वजह वो हिस्ट्री से, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर। अगर आपको बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर पसंद है ना, तो फिर आप चेक जरूर जाइए। ओके, ऑलराइट। ओह गॉड, ओके, वो इस कदर यानी कि डिफरेंट है, आपको लगता है, आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल सारी भी दुनिया घूमी हो ना आपने, तो आपको लगता है कि बिल्कुल ही अलग से ही एक वो है प्राग, और ये जो सारा एरिया बेपनाह खूबसूरत है। और आपको ज़ोया, आप तो बाहर आई हैं अमेरिका से? मेरी जिंदगी में अल्लाह जाने, अल्लाह ने ट्रैवलिंग लिखी हुई है, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का इतना शौक नहीं है। अच्छा, लिखी हुई है और शौक नहीं है, इसका क्या मतलब है? उड़ के भी चली जाते हैं ना। अब मेरे पांच बहन भाई हैं, पांचों कम से कम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में या डिफरेंट शहरों में रहते हैं, कि एक मेरा भाई अमेरिका में, एक कनाडा में है, मेरी बहन यूके में है, तो हर साल रियूनियन होती है किसी एक के मुल्क में। वाह, तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, आप डेस्टिनेशन मीटअप्स? हां, मीटअप्स होते हैं। वाह, ये मेरे लिए आइडियल लाइफ है, जिसकी है ना ट्रैवल। तो नवाल, समझे कि आप रोम में फिर रही हैं और अचानक से मेरी आपसे मुलाकात होगी, मैं आपके सामने आ गया हूँ और 50 रुपए मांग ली हैं। थैंक यू सो मच ज़ोया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएंगी, बहुत बहुत शुक्रिया नवाल, आप तशरीफ लाएंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आने का। थैंक यू फॉर हैविंग अस।